केवट जो था, अरे सतयोग में केवट कछुआ था, और जो क्षीर सिंधु में रहता था। ये खेवट जो था पूर्व जन्म में, उसका ये अरे भक्ति में समय बिताता था। भाइयों, ये कछुआ जो था, केवट जो था, ये पूर्व जन्म में कछुआ था। कछुआ एक बार ये कछुआ क्षीर सागर में जहां भगवान शयन कर रहे हैं, वहां जाने के प्रयास में एक बार ये शेषनाग की सैया पर चढ़ने लगा। कछुआ ने सोचा कि चलो हम भगवान श्री राम, भगवान विष्णु के जाकर के हम शरण स्पर्श करें। तो ये कछुआ जो था शेषनाग की सैया पर चढ़ने लगा। जब शेषनाग की सैया पर ये जब कछुआ चढ़ने लगा है, चढ़ा, लेकिन शेषनाग ने पुस्कार मार दी। जब शेषनाग ने फुसकार मार दी, कछुआ जो था तड़फ करके नीचे गिर गया। फिर प्रयास किया, चढ़ने लगा है, और जब फिर से कछुआ चढ़ने लगा, लेकिन शेषनाग ने फिर फुसकार मार दी, लेकिन कछुआ जो था वो फिर से जमीन पर। जब कछुआ फिर नीचे गिर पड़ा, कछुआ आखिरी श्वासें भर रहा है, सोच रहा है, हे दीन बंधु दीनानाथ, हमने तुम्हारे चरणों को छूने का बहुत लंबा प्रयास किया, लेकिन हमने तुम्हारे चरणों को नहीं स्पर्श कर पाया। आज कछुआ मन ही मन में सोच रहा है कि मेरे मन की मन में रही, भगवान ने कहा, हे कछुआ, तूने हमारे चरणों को छूने का प्रयास किया है,
लेकिन कछुआ अरे केवट बने त्रेता युग माई कछुआ अरे केवट बने त्रेता युग माई अरे बन के राम आए तेरे सफल भई अरे चाचा अरे भक्ति तेरी सफल भई अरे छोए नए सके चरण हरे के छोए नए सके चरण हरे के आज मेरे नौजवान साथियों जिस समय कछुआ में फुसकार लगी शेष नाग ने मार दी तो कछुआ आखिरी श्वास से भरने लगा और जब आखिरी श्वास से भरने लगा तो भगवान श्री राम बामौजूद खड़े हैं लेकिन पिछली याद दिला रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा हे कछुआ समय आने पर तेरा उद्धार होगा। आज वही दिन था आज भगवान श्री राम मां खड़े हुए हैं। भक्तों वही ध्यान देंगे कि केवट ने जब ये कहा कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं